हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास क्लास फोर्थ एक्सरसाइज 10.3। आज स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको डिजिबिलिटी बताई थी, यानी कि भाज्यता कि भाई डिजिबिलिटी क्या होती है ना। तो स्टूडेंट वो 1-2 से लेके 10 तक की डिजिबिलिटी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, और ये उससे आगे की वीडियो बना रहे हैं जब रह गई थी 11, 12 और 15 की डिजिबिलिटी रह गई थी जो आपके कोर्स में है। ओके स्टूडेंट, वो हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है जी। तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे, बुक में पेज नंबर 76 पे लिखा हुआ है, देखिए वहां से आप पढ़ते रहेंगे, याद कर लेंगे। याद करना बहुत अच्छी बात है और समझा हम देंगे आपको, ठीक है। पहले एक दो बार बुक से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए सिपर का, फिर आपको हम समझा रहे हैं तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। दोनों काम एक साथ करिए। ए नंबर इज डिजिबल बाय 11। 11 से कोई भी नंबर डिजिबल होता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट 0 और डिजिबल बाय 11। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे समझ सकते हैं क्या कह रहा। 11 से सिर्फ वही नंबर डिजिबल होंगे जिनके अल्टरनेटिव नंबरों का अगर टोटल करें, सम करें, वो और सम करने के बाद में उन्हें हम माइनस करके या तो जीरो आंसर आ जाए, या फिर ऐसी डिजिट या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिजिबल हो, यानी कि 11 के टेबल में आता हो। ओके स्टूडेंट, तो देख लीजिए, मान लीजिए आपने एक डिजिट ले ली, यह डिजिट ले है ना। अब आप देखना चाहते हैं कि क्या ये डिजिट 11 से डिवाइड है ना। तो जो डेफिनेशन कह रही है, देखिए स्टूडेंट कोई भी डेफिनेशन हो, डेफिनेशन हम याद क्यों करते हैं, कोई भी परिभाषा हम याद क्यों करते हैं। परिभाषा याद करने के पीछे हमारा मकसद होता है कि जब भी हम कोई उससे संबंधित वर्क करें तो उस पर उसे अप्लाई करें, और अप्लाई करके ये देख लें कि हाँ भाई जो डेफिनेशन में बताया गया था क्या वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसके अनुसार कार्य हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो अपनी गलतियों को ठीक करें, है ना। तो देखिए अब हम जो हमारी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी थी अभी, तो हम उसे इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसने कहा था डेफिनेशन में अल्टरनेटिव जो डिजिट है उनका सम, अल्टरनेटिव यानी कि एक छोड़कर दूसरी, या आप स्टूडेंट ऐसे भी डाल सकते हैं भाई आप इसे इविन डाल लीजिए, ये मान लीजिए कि एक सिंबल है बस, इविन और इविन, ठीक है। कितनी भी डिजिट हो उनमें सब में आप ऐसे डालते हुए चले जाए, इविन ओड इविन ओड इविन ओड, जितनी भी बड़ी डिजिट है। तो स्टूडेंट फिर आपको क्या करना, जो इविन नंबर वाली डिजिट है वे यहाँ लिख लीजिए 2+5, और जो ओड नंबर वाली डिजिट है उन्हें यहाँ पे लिख लीजिए। ओड नंबर की क्या है 6, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 5 2 7, और ये 6 है ना। अब इन्हें माइनस कर लीजिए, माइनस करके आया क्या बचा जी 1। तो स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन कहती है कि या तो 0 बचना चाहिए या कोई ऐसा नंबर या ऐसी डिजिट बचनी चाहिए जो 11 से डिजिबल हो। तो ये तो 11 से डिजिबल नहीं है, 1 बचा है ना, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होने का, ठीक है जी, नहीं होने का ना। तो नेक्स्ट लेते हैं, कोई और डिजिट लेते हैं, देखिए यह डिजिट ले ली हमने। ओके स्टूडेंट, काफी बड़ी डिजिट है, अब हम देखना चाहते हैं क्या यह 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं आप, इविन
ओड, इविन, ओड, इविन। यहाँ इस इविन ओड से कोई इस बात का कोई संबंध नहीं है कि ये इविन है या ओड है, बस हमें तो ये देखना है। ये स्टूडेंट आप इविन ओड ना करें, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ए बी ए बी ए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, ए वाले को तो यहां लिख लेंगे, ए ए को ऐड करना, टू प्लस वन प्लस वन, ठीक है। अब बी वालों को ऐड करना, बी में क्या आया जी, टू प्लस टू प्लस टू कर लीजिए, थ्री फोर, टू और वन थ्री और वन फोर, यहां फोर आ गया, टू टू फोर और टू सिक्स, यहां सिक्स आ गया। अब इन्हें माइनस कर दीजिए, है ना, तो हम सिक्स में से फोर माइनस कर लेंगे, बचा टू। तो स्टूडेंट ये भी जो आपका नंबर है ये भी अलेविन से डिवाइड नहीं है, है ना। तो अलेविन से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो देखते हैं, वन थ्री थ्री वन ये लेते हैं जी स्टूडेंट। अब इसे देखते हैं, इविन ओड, इविन ओड, कोई भी अल्टरनेटिव को जोड़ना, यानी कि आप ऐसे अगर ये बिना डाले तो आप सोच सकते हैं भाई इसे इन दोनों को ऐड करना और इन दोनों को ऐड करना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ई वन फिर ई पे है थ्री, है ना, ओड ओड पे वन है और प्लस वन है, तो स्टूडेंट यहां पे क्या आ गया, फोर आ गया, यहां पे टू आ गया, है ना। गलत हो गया भाई, यहां पे थ्री है, देखो थ्री है ना हो गया आगे, और यहां भी वन है तो यहां पे फोर आ गया, तो अगर हम माइनस करेंगे अब जीरो आ गया, है ना। तो हमारी डेफिनेशन यही कह रही थी कि अगर डिफरेंस इन दोनों को जोड़कर अगर डिफरेंस क्या आ जाए जीरो, तो डिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो देख लेते हैं क्या ये डिजिबल है वास्तव में, क्या आपका डेफिनेशन सही ना कह रही हो, अपना प्रूफ करके देखना चाहिए। अलेविन वन जा अलेविन, बच गया टू, जीरो ब्रिंग डाउन कर लिया, टू जा चल जाएगी, वन बच गया, वन उतार लिया, वन जा वन, तो कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचा, है ना, तो ये डिजिबल है। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई बड़ी डिजिट होती है अधिक, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर कोई डिजिट बच जाती जो अलेविन के टेबल में आती हो, यानी कि जिसका फैक्टर अलेविन हो, तो ये सभी डिवाइड हो जाएगी अलेविन से, ठीक है। ऐसे ऐड करना, बस आपको दो ही बात याद रखनी, या तो अलेविन का मल्टीपल हो, या अलेविन उसका फैक्टर हो, या फिर उनका डिफरेंस जीरो आता हो, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 52998, है ना। तो हम देखना चाहते हैं क्या ये 11 से डिवाइड है। तो स्टूडेंट इसका जो हम इस पे इविन ओड डाल लेंगे, इविन ओड, इविन ओड, इविन इविन ओड, इविन ओड, इविन, ठीक है जी। अब ई वाली जो ई क्या गए उन्हें यहां लिख लेंगे, फाइव प्लस नाइन प्लस एट। अब ओड वाली, ओड पे टू आई और प्लस नाइन, देखिए
9 और 5 14, 14 और 8 22, 9 2 11, 1 बचा, 1 बचा। तो स्टूडेंट जो है 11 आ गया हमारा रिमाइंडर, इन्हें ऐड करने के माइनस करने के बाद इनका डिफरेंस, तो ये 11 के टेबल में आता है ना, 11 का मल्टीपल है ना, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा है ना। अगर हम इससे डिवाइड करें, यही हमारी डेफिनेशन है, या तो माइनस आना चाहिए या कोई ऐसी डिजिट आनी चाहिए जो 11 के टेबल में आ जाए, क्योंकि 11 का टेबल सबसे आता है। आप एक मिनट में देख सकते हैं क्या भैया 11 के टेबल में आता है नहीं आता है ना। तो ये आपका जो इसकी डेफिनेशन थी 11 की, पूरी पूरी इस पर अप्लाई हो रही है इस डिजिट पर। उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब देखिए जी 12, ए नंबर इज डिजिबल बाय 12 इफ द डिजिबल बाय 3 एंड 4। अगर कोई भी नंबर 3 और 4 से डिवाइड है तो स्टूडेंट वह नंबर 12 से भी डिवाइड होगा है ना। जैसे कि देखिए 3 से डिवाइड होने के लिए हमें कोई भी कितना कैसा नंबर चाहिए जो इवन नंबर भी हो, 3 से डिवाइड करने के लिए 3 और 4 से डिवाइड चाहिए हमें है ना। तो 3 से डिवाइड करने के लिए जिनका सम 3 के टेबल में आता हो है ना, जैसे 36 अगर इन दोनों को ऐड करें 9 होगा, 9 3 के टेबल में आता है। अब 4 से स्टूडेंट, अब हम इसे 4 से भी देखना, 4 9 जा 36, तो ये 36 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जो है 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 12 3 जा 36 हो गया। तो आपको 3 और 4 की डिजिबिलिटी लगा के देखनी है किसी भी नंबर पर, अगर मैं 3 और 4 से हो रहे तो आप एकदम कह सकते हैं कि ये 12 से भी होगा, ठीक है। जिस तरह आप 6 के लिए समझाया था हमने कि भाई जो 3 से और 2 से डिवाइड है ना, वही 3 वो 6 से भी डिवाइड है ना। तो इसी प्रकार ये इसकी डिजिबिलिटी है। मान लीजिए कोई और नंबर देख लीजिए, 3 है जी 900, ठीक है जी, ये एक नंबर है, हम देखना चाहते हैं क्या ये 12 से डिवाइड है। तो अगर हम पहले देखते हैं क्या है 3 से डिवाइड है, तो इन सबको ऐड करेंगे, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 3 से तो डिवाइड है। अब 4 से देखेंगे, 4 की डिजिबिलिटी हमने याद की थी, तो 4 से क्या है 4 से डिवाइड है। 4 की डिजिबिलिटी में आता अगर किसी भी नंबर के लास्ट की दो डिजिट 0 हो या 4 के टेबल में आती हो तो ये 4 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट ये दो डिजिट है, 1 टेंस वाली दोनों 4 0 है, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा है ना। तो 3 4 से दोनों से होगा, तो अब हम कह सकते हैं कि ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा है ना, ये 12 से भी डिवाइड है। कहते हो प्रूफ करके दिखाएं, देख लीजिए 3900 12 3 जा 36 बच गए 3, ब्रिंग डाउन कर ली 0, 2 जा 24 बच गए आपके 6, ब्रिंग डाउन कर ली 0, 12 5 जा 60, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये इस प्रकार आप कह सकते हैं जो 4 से और 3 से डिवाइड होगा वह 12 से भी डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लीजिए डिजिबिलिटी ऑफ 15, ए नंबर इज डिजिबल बाय 15 इफ इट इज डिजिबल बाय 3 एंड 5। जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होंगे पूरे वही नंबर 15 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है जी। अगर आपको 3 की और 5 की डिजिबिलिटी आती है तो आप एक मिनट में पता लगा सकते हैं कि भाई 15 से डिवाइड हो गया या नहीं है ना। तो देखिए मान लीजिए आपने कोई डिजिट ली,
ये डिजिट ले लिया, है ना। अब आप देखना चाहते हैं क्या ये 15 से डिवाइड है, क्या ये 15 से डिवाइड है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन्हें ऐड करके देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड है। सबसे पहले आप 3 की डिजिबिलिटी लगाएंगे, है ना। 3 की डिजिबिलिटी के लिए जो डिजिट में नंबर में डिजिट होता है उन सबको ऐड कर लेते हैं, 8 है जी, 8 और 5 13 और 2 15, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिवाइड है, अब 5 से, तो स्टूडेंट ये 5 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए किसी भी नंबर के वंश पे 5 या 0 होना चाहिए, तो ये होने का नहीं। अगर हम यहां 0 कर दें, है ना, और यहां भी 0 कर दें, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 5 10 13 हो जाएगा। अब ये 3 से नहीं है, तो अगर हम यहां पे 2 कर दें, यहां पे हमने 2 कर दिया, तो स्टूडेंट कितना होगा, 5 5 10 और 2 12, तो 3 से तो डिवाइड हो गया, 12 आ गया। अब इसके वंश पे क्या है, 0, तो ये 5 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 3 और 5 से डिवाइड है, तो ये 15 से भी डिवाइड है, ठीक है जी। देख लीजिए कैसे डिवाइड है, फिफ्टीन 0 1 उतार लिया, 5 15 7 105, ब्रिंग डाउन कर ली, 0 चलती लगा दी, 0। तो स्टूडेंट देखिए कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, है ना। तो आपको इन दोनों की डिजिबिलिटी आपको लगा के देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है 15 से डिवाइड है। पहले 3 से देख लीजिए, फिर 5 से, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट आपकी जो डिजिबिलिटी है ये भी खत्म होती हैं। अब एक्सरसाइज लेते हैं 10.3 जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एक्सरसाइज 10.3 फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट ये सब डिजिबिलिटी के ऊपर ही है, यह जो पूरी एक्सरसाइज है 10.3 ये डिजिबिलिटी से ही होने वाली है। अगर आपने सारी डिजिबिलिटी अच्छी तरह क्लियर कर ली तो इस एक्सरसाइज को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है जी। तो अब इनकी हिंदी समझकर इन्हें करते हुए चलते हैं, ठीक है जी। ए नंबर इज डिजिबल 5 है, कोई भी नंबर, ए नंबर इज डिजिबल बाय 4, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता हो सकता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट आर 0, यदि उसके लास्ट की इनके वंश टेंस वाली 0 जो डिजिट हैं वे 2 0 हो, है ना, और या डिजिबल बाय 4, या वो 4 के 4 का मल्टीपल हो या 4 उसका फैक्टर हो, ठीक है जी। तो यहां पे 4 आएगा। ए नंबर इज डिजिबल बाय 5, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, इफ इट्स एंड 5 और 0, यदि उसके वंस वाली डिजिट 5 हो या 0 हो तो वह 5 से डिवाइड हो सकता है, है ना। ए नंबर इज डिजिबल बाय, कोई भी नंबर डिजिबल हो सकता है, इफ इट इज नॉट ओड, यदि वह ओड नहीं है, है ना, कैसे हो सकता है, यदि वह ओड नहीं है तो वह सभी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि वे सभी नंबर इवन नंबर होंगे, ओके, जो ओड नहीं है। इफ द सम ऑफ डिजिट ए नंबर एड अप टू ए मल्टीपल ऑफ, अगर किसी भी कोई भी नंबर आपको दिया गया है, आपने उसकी दी हुई जो डिजिट है उन्हें ऐड कर दिया, है ना, तो वे कहीं का मल्टीपल होने चाहिए 3 के, द
नंबर इज डिजिबल बाय 3, आप यहां देख सकते हैं बाद में लिखा हुआ है डिजिबल बाय 3, तो वे कई के मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, जिन हम ऐड करेंगे, है ना। अगर यहां 9 होता तो फिर यहां 9 भी आ जाता ऊपर भी। इफ ए नंबर इज डिजिबल बाय, कोई भी नंबर डिजिबल हो सकता है, लास्ट में क्या लिखा 6, इट इज डिजिबल बाय 6, 6 से कौन से होंगे, जो 2, 3 से हो जाएंगे, 2 और 3, जो 2, 3 से डिवाइड होंगे वही 6 से डिवाइड होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे ध्यानपूर्वक देख लें, उम्मीद है आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल द नंबर विच आर डिजिबल बाय द गिवन नंबर। तो स्टूडेंट जो ये नंबर दिए गए हैं, ये आपको नंबर दिए गए हैं 15, 21, 27, ये जो नंबर है अगर ये 2 से डिवाइड है, पूरे पूरे डिवाइड है, तो उन पे सर्किल कीजिए जो नंबर डिवाइड है, और जो डिवाइड नहीं है उन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए। कहा ना सर्किल द नंबर, उन नंबरों को सर्किल कीजिए विच आर डिजिबल बाय गिवन नंबर, जो ये नंबर दे रखे 2, 3, 5, 10, जो इनसे डिवाइड है, तो उन पे आपको क्या करना है, सर्किल करना है। तो हमने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको हमने बताया था इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, है ना। जो 2 से डिवाइड होता है वे इवन नंबर होते हैं, यानी कि जिनके वंश पे 0 हो, जिनके वंश पे 0 हो, 2 हो, 4, इधर जिनके वंश पे 2, 4, 6, 8 और 0, तो वही सभी नंबर इवन नंबर होते हैं और वही 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड क्या होंगे, 15 नहीं होने का क्योंकि इसके वंश पे ये नहीं है, 21 भी नहीं होने का क्योंकि 1 नहीं है वंश पे, 27 भी नहीं होने का इसके वंश पे भी नहीं है, 30 है, 30 के वंश पे 0 है, तो इसे आप सर्किल कर सकते हैं। 42 है, इसमें 2 है, इसे भी आप सर्किल कर सकते हैं। 49 में 9 है, तो इसे नहीं कर सकते। 56 है, इसे आप सर्किल कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है। 68 को आप सर्किल कर सकते हैं, इवन नंबर है। 73 को नहीं कर सकते क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इसके वंश पे ये डिजिट नहीं आती, ठीक है जी। अब 3 से, ये 2 की डिजिबिलिटी थी हमने इसमें जो अप्लाई की, अब 3 की, 3 की डिजिबिलिटी क्या आ गई, 3 से वही नंबर डिवाइड होगा जिनका सम 3 के टेबल में आता हो। देखो 3 और 4, 7, 3 के टेबल में नहीं आता, छोड़ दीजिए। 9 और 3, 12, 3 के टेबल में आता है 12, तो सर्किल कर दीजिए, 3 से हो जाएगा। 5 और 4, 9, 3 के टेबल में आते हैं। 7 और 5 कितने हो गए, 12, 3 के टेबल में आते हैं। 6 और 1, 7, 3 के टेबल में नहीं आते। 9 और 6, 15 होता है, 3 के टेबल में आते हैं। 7 और 4, 11, 3 के टेबल में नहीं आता। 8 और 7, 15, 3 के टेबल में आते हैं। और जी 8 और 3, 11, 3 के टेबल में नहीं आते। जो 3 के टेबल में आता है जिनका सम, उस पर ही हमें सर्किल करना है। अब 5 से, 5 की डिजिबिलिटी क्या है जी, हम जानते हैं जिसके वंश पे 0 हो या 5 हो, नहीं सर्किल करना। 13 पे नहीं है, 5 है वंश पे, कर दीजिए। 0 है, कर दीजिए। 4 है, छोड़ दीजिए। 7 है, छोड़ दीजिए। 0 है, सर्किल कर दीजिए। 6 है, छोड़ दीजिए। 0 है, सर्किल कर दीजिए। और 5 है, सर्किल कर दीजिए। 0, 5 वाले ही सर्किल होंगे। अब 10 की डिजिबिलिटी क्या है जी, 10 की डिजिबिलिटी हम जानते हैं जिनके वंश प्लेस पे 0 हो वे ही होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो 60 के वंश प्लेस पे 0 है, 110 के वंश प्लेस पे 0 है, और 180 के वंश प्लेस पे भी 0 है, ठीक है जी। तो हमने इन्हें सर्किल कर दिया। सर्किल द नंबर विच आर द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। तो स्टूडेंट जो हमें ये गिवन नंबर दिए गए हैं, क्या ये इसके फैक्टर हैं, है ना, ये इसका अपोजिट होता है फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीप्लाई, फैक्टर का मतलब डिवाइड, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब डिवाइड है, तो जो 34 है वो 2, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगर हो जाए तो उस पर हमें सर्किल करना उस फैक्टर पे। भाई 34 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
क्योंकि इसके पास पर फोर है। अब फोर और थ्री को ऐड करें तो सेवन आ जाएगा, सेवन थ्री के टेबल में नहीं आता तो इसे भी छोड़ देंगे। फाइव, फाइव से डिवाइड करने के लिए फाइव चाहिए है नहीं, यहाँ फोर है तो इसे भी छोड़ देंगे। टेन से करने के लिए जीरो चाहिए थी तो ये भी नहीं होने का, तो इसमें सिर्फ टू ही है जिससे 34 डिवाइड हो सकता है, टू ही इसका एक फैक्टर है। अब देख लीजिए बी वाला 50 में किवंस पर जीरो है तो ये भी नंबर है तो टू से डिवाइड हो जाएगा। 50 जीरो और फाइव को जोड़ेंगे तो फाइव ही रहेगा तो थ्री से नहीं होने का, और इसके वंस पर जीरो है तो फाइव से डिवाइड हो जाएगा, और टेन से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि टेन की डिजिबिलिटी यही होती है जिसके वंश पे जीरो हो। अब सी वाला देख ले, 95 है, 95 है, टू से डिवाइड नहीं होने का क्योंकि ओड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं है। और नाइन और फाइव को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, थ्री के टेबल में भी नहीं आता, थ्री से भी नहीं होने का। अब स्टूडेंट इसके वंश पे फाइव है तो ये फाइव से डिवाइड हो जाएगा और टेन से नहीं होने का क्योंकि इसके वंश पे जीरो नहीं है। अब 60 के वंश में जीरो है तो ये भी नंबर है, टू से हो जाएगा। सिक्स और जीरो को जोड़ेंगे सिक्स आ जाएगा, सिक्स थ्री के टेबल में आता है तो थ्री से भी हो जाएगा और फाइव से भी हो जाएगा क्योंकि इसके वंश में जीरो है और टेन से भी हो जाएगा क्योंकि इसके वंश में जीरो है। ठीक है जी। अब 78 है, 8 है इसके वंश पे तो इवन नंबर है, टू से हो जाएगा। 7, 8 को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 थ्री के टेबल में आता है, फाइव से होने का नहीं क्योंकि इसके वंश पे फाइव और जीरो नहीं है, टेन से भी नहीं होने का क्योंकि इसके वंश पे जीरो नहीं है। अब 75 है, ओड नंबर है तो टू से नहीं होने का, 75 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, थ्री के टेबल में आता है तो थ्री से डिवाइड हो जाएगा। 5 है 75 के तो 5 से भी हो जाएगा लेकिन 10 से नहीं होने का क्योंकि इसके वंश पे जीरो नहीं है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन 35 एंड 55 डेट आर डिजिबल बाई, डिजिबल बाई 2, 5, 10 है ना, जो ये नीचे दिए गए हैं इनके द्वारा जो ये नंबर है ये डिजिबल है या नहीं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके लिए हम 35 से और 55 तक के बीच के जो भी नंबर है उन्हें लिख लें, है ना, इनके बीच के, बिटवीन माने बीच में, है ना। तो नंबर कौन कौन से हैं जी, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और जी 54, 35 से 55 के बीच के नंबर लिखने थे, है ना। तो स्टूडेंट आपने ये इतने ये नंबर है हमारे पास जो 35 से 54 के बीच के नंबर है ना, ऐसे लिखने से आसानी हो जाएगी। तो अब हमें देखना है इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड है ना। तो आप जो लोग जानते हैं सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, जो इवन नंबर होते हैं, है ना। इवन नंबर कौन से होते हैं, जिनके वंश पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब इवन नंबर है। अगर आप भूल जाते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं या ओड नंबर कौन से होते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ई लिखे और नीचे ओ लिखे, है ना, और जीरो से शुरू करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जो ई के आगे आ गया वे इवन नंबर है, जो ओ के आगे आ गए वे सब ओड नंबर है, जिनके वंश पे ये डिजिट है वे सब इवन ओड है, सिर्फ वंश प्लेस पर देखना है। ठीक है स्टूडेंट, यह एक तरकीब और है, जब भी आप काउंटिंग लिखते हैं तो उसमें एक इवन होता है, एक ओड होता है, एक इवन होता है, एक ओड होता है, एक इवन होता है और एक ओड होता है, ऐसे ही चलते हैं। देखिए अब 36 है, इवन है तो आप लिख देंगे यहाँ 36,
फिर एक छोड़ के 38, ऐसे एक छोड़ के लिखते हुए चले जाएंगे 40, है जी 42, 44, 46, 46, 48, 50, है ना 52, 54, 54 है ना, यस ये। तो स्टूडेंट ये नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 5 से देखने, 5 से कौन सा डिवाइड होता है, जिनके जिनके वंश में 5 हो या फिर 0 हो, देख लीजिए। तो पहली 0 कहाँ आएगी, 40 में, दूसरी 0 कहाँ आएगी, 40, फिर 5 आएगा 45 में, फिर 50 आएगा, है ना। तो यही आएगी स्टूडेंट, देख लीजिए ये आ गया, इस पे 0 है, 45 आ गया, इसमें 5 है, और इसके बाद में 50 आ गया, इसमें 0 है ना, और कोई भी नहीं है, क्योंकि 5 की डिजिबिलिटी यही होती है। अब 10 की, 10 की डिजिबिलिटी क्या है जी, जिसके वंश पे 0 आएंगी, और 0 कह पाएगी स्टूडेंट, एक तो 40 पे आएगी और एक 50 पे आएगी, ठीक है जी। दो ही नंबर ऐसे है जिनमें 0 है, देख लीजिए आप। तो दो ही नंबर ऐसे हैं जिन पर 0 है। अब ऐसे जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हो, ऐसे बताने जो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 5 से भी, दोनों से एक साथ होते हैं। तो सभी नंबर जो है वे 2 से डिवाइड होंगे, इवन नंबर। तो जितने इवन नंबर है स्टूडेंट, वे सब हमने यहां लिख लिए थे पहले, पहले हमने 2 का आगे लिख लिए, सारे इवन नंबर है ही जो 2 से डिवाइड होंगे। अब इनमें हमें देखना जो 5 से भी डिवाइड हो जा, तो इसी नंबर में से चेक कर लेंगे। अब ऊपर से देखने की अब जरूरत नहीं है, है ना। तो हम 0 और 5 वाले नंबर, 5 वाले तो होने के लिए तो 0 वाले नंबर ही होंगे, ओके स्टूडेंट, क्योंकि 5 जो जिनके वंश में 5 होंगे वे 5 से तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 और 0 से, 2 और 5 से मीन्स नंबर डिवाइड होंगे जिनके वंश पर 0 हो, और 0 सिर्फ 2 पे है, 40 पे और 50 पे। तो यही दो नंबर हैं जो 2 से और 5 से डिवाइड हो सकते हैं। अब ये कह रहा है जो 5 से और 10 से भी डिवाइड हो जाए, तो स्टूडेंट 10 से मीन्स नंबर डिवाइड होंगे जिनके वंश पर 0 हो, और वंश पर 0 सिर्फ 40 और 50 के ही है, और किसी के है ही नहीं, है ना। अब ये कह रहा है जी जो 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए, 2 से सारे भी नंबर 2 से हो जाएंगे। अब नो देखना है कि ये क्या 3 से भी हो जाएंगे, तो स्टूडेंट इन्हें ऐड करके देख लो, 6 और 3 9, तो 36 तो हो जाएगा। अब 8 और 3 11 होने का नहीं, 40 4 होने का नहीं, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 8 होने का नहीं, और जी 4 और 6 10 3 के टेबल में नहीं आता, 8 और 4 12 ये हो जाएगा 48, 50 0 5 5 5 और 2 7 और जी 5 और 4 9, तो स्टूडेंट ये नंबर थे। अगर आपको डिजिबिलिटी याद है तो देखो कितनी आसानी से हो गई, है ना। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको इनका आगे ट्रू और फॉल्स लिखनी है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज डिवाइड डिजिबल बाई 4। कह रहा है दो लगातार आने वाले ओड नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो देख लेते हैं दो लगातार आने वाले नंबर देख लेते हैं जी, ओड नंबर है ना। मान लीजिए आपने 5 और 7 लिख दिया, है ना, 5 भी ओड है 7 भी ओड है, लगातार आने वाले हैं, तो कितने हो गए जी 12,
12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 3 जा 12 हो गया है ना। तो एक बड़ा सा लेते हैं, एक 17 है, 17 के बाद क्या आता है 19, ओड नंबर है, दोनों ओड है, तो कितना हो गया जी 6 और 3 36 आ गया। क्या है 4 से डिवाइड है, 4 9 जा 36। तो स्टूडेंट है ये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो ये बात कह रहा है वो सही है, तो ये ट्रू है, हमने प्रूफ भी करके देख ली कि हाँ भाई ट्रू है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 इफ द डिविजिबल बाय 34। नो कह रहा कोई भी नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा, है तो वो है 34 से भी डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है, देखो 3 और 4 से 12 डिवाइड हो जाता है, तो लेकिन 12 34 से डिवाइड नहीं होता, तो ये फॉल्स है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड है इज आल्सो डिवाइड बाय 10, तो वह 10 से भी डिवाइड होगा, जो 5 से डिवाइड है वो 10 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 15 देखिए, जो 15 है ये 5 से डिवाइड है ना, लेकिन ये 10 से डिवाइड नहीं है, 5 रिमाइंडर बच गया है ना, तो ये भी फॉल्स है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओड नंबर, इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। यानी अगर कोई दो नंबर है, दो ओड नंबर है, अगर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 ओड नंबर, अगर कोई नंबर दे रखा आपको और दो नंबर नंबर से वो डिवाइड हो जाए दो ओड नंबर से, तो ये कह रहा जो उनका इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो वह उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, तो कभी भी नहीं होनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों से बड़ा होगा है ना, और बड़े जो नंबर बड़ा होता है वह छोटे को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये फॉल्स है। ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2, तो क्या सभी और सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 था जी आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, राइट द कंडीशन फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 11 है ना, आपको वे कंडीशन बतानी जो 11 की डिजिबिलिटी के लिए जरूरी है ना। तो स्टूडेंट हमने आपको डिजिबिलिटी समझाई है इसी में 11 में, तो आप वहां से जाकर उसे समझ सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया ए नंबर इज डिजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होगा इफ यदि उनका डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स अल्टरनेटिव डिजिट, यानी कि एक डिजिट छोड़कर अगर हम उन्हें ऐड करें और उनका डिफरेंस करें दोनों का, तो अगर वो 0 हो है ना, डिजिट इज आइदर 0 और डिजिबल बाय 11, या फिर वो 11 के टेबल में आता हो, यानी कि 11 का मल्टीपल हो, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज थी 10.3 ये कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट फिर भी अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छी प्रकार समझ में आ जाए है ना। अगर कोई कमियां नज़र आ रही हैं आपको, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उन्हें दूर किया जा सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।